हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। 22 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ होना था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। लास्ट डेट है आपका 25 नवंबर 2019। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आज से स्टार्ट हो गया है। 22 अक्टूबर 2019 25 नवंबर 2019 तक चलेगा। लास्ट डेट फॉर रिसीव्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 नवंबर 2019। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, आप एग्ज़ाम डेट्स देख लीजिए। डेट्स ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 2 मार्च 2020 से लेके 11 मार्च 2020 तक। इसके बाद टीयर टू और टीयर थ्री एग्ज़ाम जो होगा आपका 22 जून 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक होगा। चार टीयर में एग्ज़ाम होता है। टीयर वन आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके बाद टीयर टू होता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बाद आपका टीयर थ्री होता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होते हैं सारे एग्ज़ाम्स, पेन और पेपर मोड में होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है उसके लिए होता है। तो टोटल चार टीयर में एग्ज़ाम होता है आपका, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री एंड टीयर फोर। और स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है वहाँ पर होता है। इंटरव्यू किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता है। एसएससी सीजीएल 2019 में किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका चार टीयर में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह आपको यहाँ पर मैंने बता दी, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए पे स्केल दिया गया है, सैलरी वगैरह किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा पे स्केल है। टोटल 34 पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग ऑफिस में। पहला आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल है 8, बेसिक पे है 47,600। दूसरा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी वही है, पे लेवल 8। इसके बाद आता है पे लेवल 7, बेसिक पे 44,900। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, फिर असिस्टेंट है अदर मिनिस्ट्रीज़ में, फिर असिस्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, सबके लिए दिया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट भी दी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30 साल, इसके बाद सभी का यहाँ से 20 से 30 साल है, फिर असिस्टेंट का 18 से 30 साल है। इसके बाद असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर 20 से 30 साल है ग्रुप बी के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैक्सिमम 30 साल, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर बोला गया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ग्रुप सी का पोस्ट है CBDT डिपार्टमेंट है, फिर CBIC में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। तो ये सारी पोस्ट जो हैं यहाँ आप देख रहे हैं ये सब लेवल 7 है। इसके बाद आता है पे लेवल 6, बेसिक पे 35,400, असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। और उसके बाद आ जाता है हमारा पे लेवल 5, ऑडिटर की जितनी भी पोस्ट हैं ये सब आपका पे लेवल 5 का पोस्ट है। तो पे लेवल 5 में टोटल 5 पोस्ट हैं, ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर अलग अलग डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। और मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल है, मिनिमम एज 18 साल, 18 से 27 साल ये आपका एज लिमिट है। इसके बाद आ जाता है पे लेवल 4, यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल 5 पोस्ट हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या फिर UDC ग्रुप सी का पोस्ट है, फिर टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी का पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 27 साल, टैक्स असिस्टेंट CBIC ग्रुप सी 18 से 27 साल। फिर इसके बाद है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 18 से 27 साल ग्रुप सी का पोस्ट है, उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी 18 से 27 साल। तो ये तो बात हो गई आपकी कौन कौन सी टोटल पोस्ट हैं, क्या क्या आपका एज का क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह सारी बता दी गई हैं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, चार टीयर में आपका एग्ज़ाम होगा वो मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सा पेन पेपर मोड होगा, कौन कौन सा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इसका सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर
जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, उसके पेपर्स चाहिए, उसके अलावा इसके कट ऑफ चाहिए, तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में, वो मैं यहाँ पर अभी और डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कट ऑफ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा इसका SSC CGL 2019 का बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगी, कब कौन सी क्लास अरेंज होगी, कब कौन सा क्लास होगा, वो सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। बस इतना भी बता सकते हैं आपको कि नवंबर के फर्स्ट वीक में SSC CGL का हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी और सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। अब ज़रा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की भी बात कर लेते हैं। एज़ ऑन 1 जनवरी 2020 एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, और जो डेट बोली गई, इस डेट पर आपका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए फाइनल ईयर। अगर आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है, आपके पास रिज़ल्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑब्लिक असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स डिग्री। डिज़ायरेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके बाद है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। 12th क्लास में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में। इसके बाद बोला गया है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्वेलेंट। द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ दियर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउ एवर दे मस्ट पजेस इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2020। मतलब इसके पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिखी गई है, आपके सामने है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बाकी सभी के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। और आप लास्ट डेट है इसका 25 नवंबर 2019, लेकिन 27 नवंबर 2019 तक आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स और कोड दिए गए हैं, कौन कौन सा रीजन है, हर रीजन का एड्रेस दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, कौन कौन से सेंटर्स किस रीजन में बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग अलग रीजन्स में हैं, जहाँ जो जिस सेंटर से जिस रीजन से बिलोंग करता है, सारी लिस्ट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पर देखिए, सॉरी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 टीयर्स, Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, Tier 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, Tier 3 पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर, और Tier 4 आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद आता है आपका सिलेबस, कि इसका पूरा हमारा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस भी हम आपको बता देते हैं कि इसका पूरा डिटेल सिलेबस क्या है। चलिए, सिलेबस से पहले हम आपको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बता देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है Tier 1 एग्ज़ाम, यहाँ पर दिया गया है। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन आते हैं आपके, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक सेक्शन 50 नंबर का होता है, तो टोटल इस तरह से होते हैं हमारे 200 नंबर, 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा। इसके बाद आपका आता है Tier 2। Tier 2 में देखिए आपके 4 पेपर हैं, कौन कौन से हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, और चौथा है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। कितने कितने क्वेश्चन हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ आपका 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के, इंग्लिश आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चन 200 नंबर, और जनरल स्टडीज़ आप फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है Tier 1 एंड Tier 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इन Tier 1 एंड Paper 2 इन Tier 2। इन Tier 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं। तो Tier 2 में जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है,
0.25, यहाँ पर दिया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, 3 एंड 4, यानी कि 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा सिर्फ इंग्लिश में और बाकी सब में 1/2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में। और इसके बाद यहाँ पर बोला गया है इन टीयर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, ये कंपलसरी हैं। इसके बाद पेपर 3 ऑफ टीयर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। तो पेपर जो 3 है आपका वो इनके लिए है और जो पेपर 4 है वो बोला गया है सिर्फ उनके लिए होगा हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 4 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो जो ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स वाले हैं उनके लिए आपका पेपर 4 होगा और जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनके लिए पेपर 3 होगा और पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो ये है हमारा पूरा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आपको पूरा सिलेबस बता देते हैं। यहाँ पर अभी ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का सिलेबस है। यहाँ पर दिया गया रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी दिया गया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रीजनिंग में आपका क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल है, मैट्रिक्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, वेन डायग्राम्स है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, वर्बल रीजनिंग और इसके साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज या फिर आपका एम्बेडेड फिगर्स वाला, जो भी फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं। ये पूरा आपका रीजनिंग का है। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके पूरा आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, आपको पॉलिटी पढ़ना होगा, इसके साथ साथ साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स भी आता है। आजकल एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज और जो भी इंपॉर्टेंट आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपका करंट अफेयर्स में आती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के आपके एग्जाम के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन है, इंटरेस्ट है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, फ्रेजेज एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग। ये सारी चीज़ें आपकी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस है। और इसका क्लासेस किस डेट से चालू होंगी ये हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन ये आपको बता सकते हैं नवंबर 1st वीक से बैच स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।